हाँ मामा मैडम ये रही वो फाइल एक बार चेक कर लीजिए सन संतू हाँ 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 तुम क्या टोपा गई हो क्या नहीं नहीं ये फाइल तुम 40 बार दिखा चुकी हो हमको क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ओ ये दिखा नहीं मैंने सॉरी सॉरी गजब गजब आपने मुझे भी नहीं देखा है मुझे तो आप भूली गई 4 घंटे हो गए पंखा चलते चलते जिंदगी में पहली बार काम आए हो बिल्लू जी प्लीज करो इसी लायक है रे तुम मासूम दानव करना अंग्रेज हम पर राज करते करते चले गए हैं और तुम तो अंग्रेज भी नहीं हो कैसे राज कर रहे हो हम पे संतू चीते इधर आना संतू जी भागिए पिटा जाएंगे ले मैडम अच्छे से पता है कि पंखे की हवा खाने के लिए तुम लोग हमारे आसपास मंडरा रहे हो कटो यहाँ से एक मिनट क्या ये कटो यहाँ से हम इंसान नहीं है हमारे लिए आग ऊपर से नहीं बरस रही है हम थाना स्टाफ नहीं है बिल्कुल माँ बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद माँ करनी का आ गई है अंग्रेज ये एरिया छोड़ दो तो थाने के पंखे की हवा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या बिल्कुल यस है ना बिल्लू अब तुम झलो पंखा हम भी यही खड़े रहेंगे देखते किसकी हिम्मत है हमें यहाँ से भगाने की माँ करनी का अंग्रेज हो गई माँ 4 घंटे हो गए ये पंखा जलते जलते अब हमारे बाजू में बल नहीं रहा बिल्ले कुछ ही समय की तो बात है बस 2-4 घंटे में लाइट आ जाएगी ना और आप अब हमें पता चला कि आप तो यही चाहती है ना कि हम गर्मी से झुलस झुलस के मर जाए हाँ दिख रहा है सब दिख रहा है अरे भैया अगर इतना ही पंखे का हवा चाहिए तो अपने अपने टेबल पे ना फैन लगवा लो इन्वर्टर ले आओ जाके अपनी सैलरी में से जाओ नहीं नहीं मैडम क्या है ना कि जो सैलरी आती है वो तो ऐसे उठ जाती है जैसे गर्म तवे से भाप हम इन्वर्टर और फैन कैसे लेंगे आप ही बताइए तो हम क्या करें हम क्या करें हाँ एक अनार 100 बीमारी से कैसे काम चलेगा सबका कौन कौन पंखे की हवा लेगा बताइए हमारे पास एक आइडिया है हाँ तो उसको निकाल दो वरना तोड़ के निकालेंगे नहीं आइडिया क्या है आइडिया हाथ नहीं रुकना चाहिए तो बोलूंगा कैसे हाँ हाँ ना है कि कौन है देखो हम ना सबके नाम की पर्चियां निकालेंगे पुराना चूरन वाला धंधा शुरू करना है क्या कि पर्ची निकालते हैं हर एक का नाम पर्चियों में होगा और जिसका नाम निकलेगा वो 15 मिनट के लिए हवा खाएगा 15 मिनट होने के बाद फिर से पर्चियां निकलेगी फिर से एक का नाम निकलेगा फिर से वो 15 मिनट हवा खाएगा ऐसे ही 15-15 मिनट चलता रहेगा हमको अच्छा लगा ये आइडिया है ना हाँ 15-15 मिनट करके सब हवा खाएंगे पर्चिया बनाओ एक दो करना जल्दी नहीं यार माँ दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे निठल्ले कृष्ण आप भाई तो हाथ नहीं रुकना चाहिए चल हाँ फेंको ना हाँ फेंक रहे एक दो तीन मैम ए तुम कहाँ उठा रहे शुभ काम का शुरुआत संतु जी करेंगे संतु जी उठाइए उठाइए किसका नाम आएगा पता नहीं मेरा नाम आएगा तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी हमारा ना संतु हमें पता था रुकिए ना रुकिए देखने बिल्लू जी का नाम है मेरा नाम ओ माय गॉड थैंक यू माय गॉड जन्नत 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 चलो अभी जहन्नुम में जाओ तुम्हारे 15 मिनट खत्म होके 100 रुपए लाओ नहीं नहीं ये बिल भाई सेकंड ये लो 15 रुपए अरे बिल भाई ये 100 रुपया लो 15 मिनट और इधर घुमा दो हवा खाने दो यार अरे यार देखो देखो बिजली गई हुई है दुकान भरती हुई पड़ी है यार तू अंगारे बरसने क्यों बदनाम भाई जाओ रोटी सीखो अरे बिल्ले भाई ये बिल्कुल सही बोल रहा है अरे इतनी गर्मी हो रही है कच्चा अंडा खा रहे तो पेट तक पहुंचते पहुंचते ऑमलेट बन रहा है उसका बिल्ले यहाँ बैठे से सुकून मिल रहा है थोड़ा बैठे मजा आ रहा है एकदम सकास एक काम करना चाय पत्ती दूध पानी निगल ले अंदर चाय हो जाएगी ये लेकिन बेचेगा कैसे अरे रे पंखा अपने बाबूजी के दहेज में लेकर आए थे हैं खाना का प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर घूम रहे तुम शर्म वरम आ रहा है तुमको इतना बड़ा निर्लज आदमी संतु जी अपने हिस्से का 15 मिनट में 100-100 रुपया लेकर इन दोनों को बेच रहा है हाँ हाँ और क्या चलो तुम्हारा 15 मिनट खत्म हो गया अब 15 मिनट संतु जी का हवा खाने का बारी चलो पंखा इधर घुमाओ लेकिन हवा खाने का टन तो तेरा है बोल हम अपना 15 मिनट संतु जी को देते हैं सैक्रिफाइस घुमाना है प्यार में बलिदान घुमाओ चलते रहो गया 15 मिनट ये संतु जी मजा आ रहा है ना बिल्लू जी हटाओ इनको पैसे दिए ना बिल्ले क्या क्या हुआ इसको बिल्ला अंदर आओ अंदर अंदर बिल्लू जी नहीं मैं देख रहा था बैटरी में करंट है कि नहीं क्या हो रहा है यहाँ बिल्लू ये सब क्या है
वो बिजली नहीं है ना, इसीलिए बैटरी से फैन कनेक्ट करके हम हवा खा रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है चीता, हमने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था, बिजली कब तक आएगी? मैडम सर पता किए हैं, पूरा इलाका में लाइट चला गया है और ठीक होते होते 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा मैडम सर। 3-4 घंटे? ठीक है संतोष शर्मा अंदर आइए। जी। इसको लगा। जी मैडम सर आपने बुलाया। हाँ संतोष शर्मा। मैडम सर आपके लिए ये ठंडी शिकंजी, गर्मी जू ताक से निकल जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू। अच्छा संतोष शर्मा, हमने आपसे बत्रा के डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सनी बत्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैडम सर, उनका नाम बहुत ही जाना माना है कंपनी का और बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। पिछले 5 सालों में सनी ने अपने सबसे बेस्ट 7 एम्प्लॉय को जो है जॉब से निकाल दिया, जिसमें 6 औरतें और 1 मर्द था। जिन जिनको निकाला है उनको ऑफिशियल रीजन दिया गया है। हाँ पर एक बात है जो वो मुझे खटक रही है, उन्होंने जिन जिनको निकाला है वो सारे के सारे प्रेग्नेंट थे। लेकिन उनकी लिस्ट में एक मर्द भी था ना? हाँ। क्या वो भी प्रेग्नेंट? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, मर्द गर्भवती नहीं हो सकता है। हो गया आप लोगों का। संतोष शर्मा, ये आदमी बत्रा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और शातिर है। ये जानबूझकर प्रेग्नेंट औरतों को पेड लीव देने से बचने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता है उन्हें नौकरी से निकालने के लिए, ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े, और ये इसका लालच का काम चलता रहे। लेकिन इस लालची आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो भी पूरे पक्के सबूतों के साथ। जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा उतना ज्यादा दीप्ति की लाइफ पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस दीप्ति और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। जी मैडम सर। ये बहुत अच्छा है पुष्पा जी, गर्मी में लोगों की एनर्जी कम होती है और आपकी बढ़ती चली जा रही है। क्या सिस्टम लगा के रखे हैं? चुप रहो बिल्लू, क्या जरूरत थी आपको ये वादा करने की दीप्ति से कि हम 24 घंटे के अंदर उसकी नौकरी वापस दिलवा देंगे? देखिए लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, सच में नहीं है, हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ तो सोचा होता आपने प्रॉमिस देने से पहले। सोचा था मैडम सर, बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करते हैं। वो अपना हिम्मत छोड़ रही थी, उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसका आगे होने वाला बच्चा, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, वो बहुत घबरा रही थी। तो इसलिए उसको हिम्मत देना पड़ा हमें, इसलिए हमें उसको ये कहना पड़ा कि हम उसको उसका नौकरी दिलवा के रहेंगे। उस पर हमने ये भी बोला है कि चाहे हमारी नौकरी हमारे हाथ से चले जाए, हम उसको हिम्मत दे रहे थे मैडम सर। ठीक, ओके ठीक है, अगर ये बात है तो आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हम मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल होता है, अब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है तो करके दिखाएंगे, लेकिन कैसे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।